स्वागत है आप सभी को दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि जून महीने में जितने भी कंज्यूमर है, ठीक है, उसका सब्सिडी चला गया है। 26 रुपया या 28 रुपया जो भी सब्सिडी था, और उस कंज्यूमर का सब्सिडी ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन जो COVID-19 की जो एडवांस थे वो नहीं ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ, और क्या करना पड़ेगा इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आया है। ये प्रॉब्लम को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं एडजस्टमेंट पर चला जाता हूँ। उसके बाद सेंट्रल सर्विस गवर्नमेंट का जो स्कीम है, आप पर देख सकते हैं अप्रैल में दोनों महीने का सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए। अब ऑर्डर में आएंगे तो आप पर देख सकते हैं 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को लिए थे, 3 मई को लिए थे, और 2 तारीख को जून महीने को बुक किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडी में एक जो है कंज्यूमर का जो लास्ट महीने का था, जून महीने का, वो 4 जून को बैंक में सब्सिडी चला गया है, वो जो जिसका 26 रुपीज़ जो होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 3 महीने रिफिल बढ़ रहे थे फ्री अप्रैल में, ठीक है, और अप्रैल मई में दो कंज्यूमर ने दो लिया, ठीक है, दो रिफिल ले लिया, उसका पैसा भी चला गया। ठीक है, और जून महीने में उसका जो जून महीने में एक तारीख से लेके 5 तारीख के अंदर किसी कंज्यूमर ने अगर रिफिल कटे, ठीक है, तो उनका जो है एडवांस ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसका सब्सिडी चला गया है। तो इस केस में आपको जो है करना पड़ेगा कि उस कंज्यूमर को अभी तो इस महीने में आपको एक रिफ़िल लेना होगा। ठीक है, उस कंज्यूमर को बताइए कि 5 तारीख के अंदर, अभी तो आज जुलाई महीने हो गए हैं, ठीक है, जुलाई महीने के 5 तारीख के अंदर आपको जो है कंज्यूमर को रिफ़िल करने के लिए बोलिए, और उसके बाद ही उसका जो है सब्सिडी के अलावा उसका जो एडवांस थे वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कंज्यूमर रेगुलर है, अप्रैल में भी लिया, मई मंथ में भी लिया, जून में 1 से 5 तारीख के अंदर लिया, उसका नहीं जाएगा, ठीक है, तो एडवांस ट्रांसफ़र क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जो है कंज्यूमर को फिर से एक रिफ़िल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका एडवांस ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों मैं स्क्रीन पर भी आप सभी को दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने एक ICD ट्रैकिंग टूल में एक रिक्वेस्ट दिए थे, उस लोगों ने क्या बताया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख ले।